देखिए असी अपनी पैली दे कितों तीजे बड़े फाटक तो लंघ के आ रहे हैं दोनों जने किन्ने सालां बाद। दोस्तों मैं आ जाई हूँ अपने पैतृक गांव। देखो सो चलिए दोस्तों आप लोगों को अपना गांव दिखाती हूँ जहाँ पर मेरा बर्थ हुआ है और अभी मैं यहाँ लेके जा रही हूँ। ये वो जगह है यहाँ पर मेरा जो बचपन बीता है, हमारे खेत, मेरे पिताजी के जो ज़मीन थी वो हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूरी पर थी। अभी तो उसको बेच दिया है बट उसके बावजूद हम यहाँ जब भी गांव की तरफ आते हैं तो यहाँ ज़रूर आते हैं। तो ये एरिया को देख करके मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मन में एक अजीब सी खुशी थी। तो हमारी जो ज़मीन है उसके बगल से ही रेलवे लाइन जो है निकलती थी, पहले सिंगल था और अभी क्या है वो डबल जो है रेलवे लाइन इसकी हो गई है। तो मुझे ये देख करके भी बहुत ही मतलब ये अच्छा लग रहा था। मैं अपने इस गांव में बहुत कई सालों के बाद मैं गई हूँ तो कुछ लोग जो पुराने हैं वो तो पहचानते भी हैं, तो वो मेरे से मतलब पूछ रहे थे कि आपकी मदर नहीं आई। बट ये सारा देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आप समझ सकते हैं कि जहाँ आपका बचपन बीता हो उस जगह पर आप अचानक जाओ तो कैसा फील होता है। तो ये वो मोमेंट है मेरे लिए। तो देखिए असी अपनी पैली दे कितों तीजे बड़े फाटक तो लंघ के आ रहे हैं दोनों जने किन्ने सालां बाद। बहुत पहले आए ही तुसीं है ना इत्थे पैली च आए ही तुसीं। तो खेतों से यहाँ से हम निकल लिए हैं आगे घर। ये जगह मेरे बहुत क्लोज है, बड़े कती गल करांगी। ये रास्ता मेरा जाना पहचाना है तो मुझे एक अजीब सा मन में एक होता है ना सिरहन सी बॉडी में से जा रही थी। अब तो घर भी नए जो हैं बन गए हैं, बहुत पहले बचपन बहुत पहले की बात है ये। लेकिन यहाँ मेरा जाने का अभी जो था कि मेरे ताया जी की डेथ हो गई थी तो मैं जा नहीं पाई थी। तो अभी हस्बैंड भी आए हुए हैं छुट्टी, तो हमने सोचा कि चलो वहाँ से जाके थोड़ा अफसोस भी कराते हैं। तो इसी बहाने मुझे ये था कि मैं अपना जो मेरा घर है मैं वहाँ होके आऊँ। तो ये है मेरे ताया ताई जी। तो ताया जी की अभी 92 ईयर्स ओल्ड थे मेरे ताया जी, तो उनका अभी डेथ हुआ है। तो यहाँ माला जो है उनके फेस के आगे आ गई है। तो ये लास्ट थे मेरे पापा लोगों के भाई में, 4 भाई थे तो ये लास्ट में इनकी अभी डेथ होगी। अभी कोई भी ताया चाचा अभी नहीं है, सिर्फ एक ताई अभी मेरी है और मेरी मदर। सो दोस्तों इस तरीके से सुबह का समय मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मॉर्निंग हो गई है, बहुत ही सुहावना मौसम। देखिए वो सन राइजिंग होने का अभी दिख रहा है वहाँ से, और सुबह 5 बजे का टाइम है। मैं उठ गई थी, छत के ऊपर आ गई और मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा योगा वगैरह कर लेते हैं, गर्मी में थोड़ी सी राहत थी। तो पक्षी भी जैसे सुबह सुबह उठ गए हैं, ये देखिए अच्छा मौसम है तो सब इन्जॉय कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अभी मैं जो है बैक कैमरे फ्रंट कैमरे से अभी वीडियो बनाती हूँ और मैं करूँगी अभी योगा, और फिर आप लोगों को योगा करने के बाद जो खड़े होकर के फिर से एक बार वीडियो बनाऊंगी। और ये देखिए जो आटा पीसने वाली चक्की है ना वो भी यहाँ हमारे यहाँ रखी हुई है। तो अभी मैं योगा कर रही हूँ यहाँ पर। तो योगा मेरा हो जाता है, अभी बीच बीच में मिस हो रहा है लेकिन मैं योगा करती हूँ, रूटीन से ही करती हूँ। सबको करना चाहिए, इससे थोड़ा ठीक रहता है। जिस एज ग्रुप में हम निकल रहे हैं 40+ की, तो इस समय अभी योगा जो है बेस्ट है। वैसे तो हर एज पे करना चाहिए इसको। तो अभी
योगा हो गया है, सो दोस्तों आप लोगों को ये आज का मेरा वीडियो कैसा लगा? सब लोग बोल रहे थे कहाँ हो, वीडियो नहीं डाल रही हूँ। तो बस मैं ऐसे थोड़ा सा बिज़ी चल रहा था शेड्यूल, ये घर आए हुए थे तो इतना टाइम ही नहीं बन पा रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं या अपलोड करूं, तो इसलिए जो है वीडियो नहीं आ रहे थे। तो अभी सोच रही हूँ कि फिर से कंटिन्यू करूं, थोड़ा सा जो होता है ना फेडअप भी हो गई थी ये वीडियो से, इतना चलता तो है नहीं है, मन भी नहीं कर रहा था, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए मन नहीं हो रहा था। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ घर के बैक का। तो ये देखिए इस तरीके से पीछे जो है खेत ही खेत है, और देखिए हरे भरे पेड़ जो देखने में बहुत मन को शांति देते हैं। इधर सिटी में चंडीगढ़ में जब ऐसे वीडियो बनाते हैं तो सिर्फ बिल्डिंग्स ही दिखाई देती हैं, और यहाँ पर ऐसे अच्छे पेड़ दिख रहे हैं, हरे भरे, पक्षी उड़ रहे हैं, तो ये पार्ट मुझे अच्छा लग रहा है। चलिए अभी आप लोगों को ना एक ऐसे पेड़ से मिलवाती हूँ जिसके साथ हमारा जो बचपन है, मेरा जो बचपन है उसी के इर्द गिर्द ही घूमा है। सो दोस्तों ये जो पेड़ है इसको हमारी भाषा में पलाखी बोलते हैं। जब हम छोटे थे तो इसी पेड़ के साथ हमारा गेम्स होती थी हाइड एंड सीक, तो आज भी ये वैसे ही खड़ा है। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।